उनके आने से पहले मैं जोरदार दो चार नारे दूंगा, उनका आप जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एमएलए डोडा, एमएलए डोडा, एमएलए डोडा, जनाब एमएलए डोडा शक्ति बिहार। भारतीय जनता पार्टी डोडा मंडल के हमारे प्रधान मास्टर मुंशी राम जी, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी संग्राम शर्मा जी, स्टेट के कन्वीनर बीडीसी के गजय राणा जी, हमारे संगठन मंत्री विपुल शर्मा जी, हमारे यहाँ पे डीके शर्मा जी जो कंटेस्टेड कैंडिडेट थे यहाँ, जिन्होंने हमें सहयोग किया, अपने होशियार सिंह जी जिन्होंने इलेक्शन में काफी दिन रात मेहनत की और हमारे साथ काम किया, सुभाष जी जो इस मंडल के यहाँ जनरल सेक्रेटरी है, इस मंच के संचालन करते हुए हमारे अभिनव सिंह जी जो कांग्रेस के काफी नजदीकी थे और उनको इलेक्शन के टाइम पर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता बुजुर्गो नौजवान साथियों माताओं बहनों नमस्कार। आज आपके बीच में यहाँ आने का मौका मिला, आज हमारा केवल एक ही मकसद है कि जिस मिशन को लेकर हम चले थे कि डोडा से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत के जाए, उसमें इस पूरे इलाके ने हमें सहयोग किया, हमें ताउन दिया और यहां से भारी मत देके वोट देके मुझे यहां से कामयाब किया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक वक्त ऐसा था कि डोडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब मीटिंग होती थी तो हमें 10 लोग भी नहीं मिलते थे जब हमने ये कार्यवाही शुरू किया यहाँ पे, लेकिन एक बात ऐसा आ गया कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 वोट लेके डोडा से अपना एमएलए यहाँ पे बना दिया। ये केवल आप लोगों की मेहनत के कारण हुआ, आपके सहयोग से हुआ, अकेले शक्ति परिहार के पास की बात नहीं थी, लेकिन डोडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो टीम वर्क हुआ, यहाँ जितने भी हमारे पुराने साथी थे और नए जितने सबको जोड़ के यहाँ पे टीम वर्क हुआ और उस टीम वर्क से यहाँ पूरे इलाके में उन्होंने दिन रात काम किया। मुझे आज भी याद है कि इस पूरे इलाके में गांव गांव हर मोड़े पे हम पहुंचे अपने लोगों को साथ लेके, यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता जो दिन रात काम करते रहे हमारे साथ यहाँ पे, तब जाकर ये पॉसिबल हो सका कि जो किसी के ध्यान में नहीं था, कांग्रेस और एनसी के लोग ये सोचते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों की मेहनत के कारण आज डोडा में आपका एमएलए आपका विधायक बना, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। हमने इस इलेक्शन को एक ही एजेंडा लेके, हमारा जो मैनिफेस्टो था एक ही मुद्दा लेके हम चले थे, विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, कि हमने जो यहाँ हमारे लोगों से इस इलाके के लोगों से जो भेदभाव किया गया डेवलपमेंट के नाम पे, उसको किस तरीके से खत्म करना होगा। अब वक्त आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में जम्मू कश्मीर में उभरा है। अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पार्टी ने लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार हमने यहाँ 25 सीटें लेके दूसरे नंबर की पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी। आपने देखा सरकार रही, एनसी और कांग्रेस के लोगों की यहाँ पे सरकार रही और 6 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन आज वो पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पे वो पार्टियां रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को यह लगता होगा और अक्सर उन लोगों के फोन आते हैं, परेशान है कि सरकार नहीं बन रही है, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा बहुत जल्द यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। पार्टी की सरकार बननी होती तो आज तक वो सरकार बननी होती। उन्होंने इस नेता को, यहाँ कांग्रेस के नेता को बड़ा सिंपल कहा जाता था आजाद को, उसने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से दूर रखा जाए और कश्मीर की पार्टियां सारी इकट्ठा होकर ग्रैंड अलायंस करके, यानी एनसी पीडीपी कांग्रेस
सारी इकट्ठी हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा जाए, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। जिसको यहाँ पे सेक्युलर कहा जाता था, बड़ा सेक्युलर नेता यहाँ का था, उसने ये सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा कम्युनल अगर जम्मू कश्मीर के अंदर है तो वो गुलाम नबी आजाद यहाँ पे सबसे बड़ा कम्युनल है। पूरी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सीएम न बने, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार न बने, लेकिन वो नाकाम हो गया इस मिशन पे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बड़े जल्द यहाँ पे जब सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बगैर कोई सरकार यहाँ पे नहीं बन सकती है। हमारा जो मिशन है डेवलपमेंट का, विकास का, हमने ये कल भी बात कही थी कि हमें यहाँ की जो कमेटी हमारी बनी है, अभी मेरे एक भाई यहाँ पे कह रहे थे कि पुराने लोगों को निजी छोड़ रहे हैं, गलत फहमी है। आपको शायद पूरी जानकारी इस बात की नहीं है, हमारे जो पुराने लोग हैं वो रहेंगे, वो जो हमारी बूथ की कमेटी थी वो तो रहेगी, उसी कमेटी को अब आप नाम दे रहे हैं डेवलपमेंटल कमेटी। वो जो हमारी कमेटी होगी उसके साथ बहुत सारे और नए लोग जुड़े हैं, हमें उनको भी जोड़ के साथ चलना होगा, ताकि हमें वो लोग आइडेंटिफाई करें कि हमको अब किस किस इलाके का क्या क्या काम करना होगा। आपको कोई जरूरत नहीं कि एनसी और कांग्रेस के दरवाजे पर ठोकरे खाने की, भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट की टीम डोडा के अंदर है, आप आइए, वो टीम आए, ताकि हर कोई वहां पे नहीं पहुंच सकता। यहाँ के गरीब गुरबत इतनी है कि सारे लोग डोडा के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हमने ये कहा है कि कमेटीज में 10-15 लोगों की टीम हो इस इलाके की, वो हमारे पास आए, हम उनके पास यहाँ पे आए और आइडेंटिफाई करें कि जो भेदभाव जो ज्यादातर हमारे साथ हुई है, चाहे वो बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, सड़क का हो, हॉस्पिटल का हो, जो भी काम करने होंगे हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आज हम अगर अपनी यहाँ पार्टी की टीम के साथ यहाँ पे आए हैं, अगली बार जब यहाँ पे हमारा आना होगा, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आपके सामने यहाँ पे खड़ी होगी, आप बताएंगे क्या क्या काम करने होंगे, वो आपके कहने पे वो काम किए जाएंगे। नरेगा का जो एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे पूरे स्टेट के अंदर है, और ये कहा जाता था कि निजी सेंटर से पैसा नहीं आता है। आज मैंने सीडी डोडा को सुबह डाक बंगले में बुलाया था, उसने कहा कि 117 करोड़ रुपया दिल्ली से आया हुआ है, और पिछले एक महीने से यहाँ की जो सरकार थी, और आज जो लोग बैठे हैं चाहे कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा बहुत जल्द वो पैसा आपको रिलीज होगा और आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस और एनसी के लोगों ने यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के गरीब को भिखारी के तौर पे बनाया है ताकि वो जाएं उनके पास हाथ फैलाएं, आपको ऐसा नहीं करना होगा। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि जितना फंड्स आपके पास होगा उतना काम करवाइए, क्योंकि यहाँ आज की डेट में अगर आप देखें तो डोडा के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 करोड़ की लाइबिलिटी नरेगा की है। ऐसे काम किए गए हैं, पैसा उनके पास कुछ नहीं है लेकिन काम करवा दिए हैं, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वो काम कीजिए जितना पैसा होगा, ताकि टाइम रहते हुए, यानी नरेगा में 15 दिन के अंदर आपको पैसा मिलना चाहिए, आज साल दो साल से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस और एनसी सरकार की करनी थी कि आज भी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना ही काम करवाया जाएगा जितने फंड्स अवेलेबल होंगे, ताकि आपको पता रहे कि हम जो काम करते हैं वो 15 दिन में या महीने के अंदर आपको पैसा मिले। ऐसे अननेसेसरी झूठ में लोगों से काम करवा के 2-2 साल वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम आगे जो भी कामकाज होंगे आपके सहयोग से, आपकी कंसेंट से, जो भी टीम होगी उनके साथ बैठ के आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अब हमने तहिया किया है कि डोडा का एमएलए अगर शक्ति परिहार बना है, वो अपने आप को नहीं, आप सारे एमएलए यहाँ के बने हो, आप सब ये। मैं किसी पे भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं थोपूंगा, आप जो लोग डिसाइड करोगे, जिस गांव के जो लोग बोले कि हमारा ये काम जरूरी है, जहाँ बेरोजगारी का मसला है, आगे आने वाले वक्त में जो भी रोजगार मिलना होगा, मेरे लिए कोई एक कोई खास कोई पर्टिकुलर किसी को मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, आप लोग गांव के लोग बताएंगे कि हाँ जी यहाँ पे कोई ऐसी पोस्ट आई है, आप जिसको बोलेंगे कि हाँ जी ये डिजर्व करता है, चाहे IAY का केस हो, जो भी स्कीम होगी आपके सहयोग से ही होगी, किसी को वहाँ पे चमचागिरी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप निश्चित रहिए, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है,
कि हमने लोगों के काम करने हैं, हमने लोगों की सेवा करनी है और आपने हमें मौका दिया है, आपने हम पे भरोसा किया है, हम उस भरोसे पे खरा उतरेंगे। आपके सहयोग से, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से आपके जो भी काम काज करने होंगे, वो बेरोजगारी का मसला हो, वो बिजली पानी यहाँ डेवलपमेंट का जो भी मसला होगा, आने वाले वक्त में बहुत जल्द यहाँ पे सरकार बनने के बाद सारी डिस्ट्रिक्ट की टीम और चून की टीम यहाँ पे लाके आपके इलाके में इस तरीके का एक दरबार लगे और आप अपनी बात वहाँ पे रख सकेंगे कि हमारा ये काम करना है। आज फिर भी उससे पहले जो भी टीम बनती है, आप हमें जो भी लोग हैं डिटेल में बताइएगा कि फलाने गाँव में, इस गाँव में हमें ये प्रॉब्लम है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ताकि हमारे ध्यान में वो पूरी बात रहे और डिस्ट्रिक्ट अफसरों को लेके उनके साथ बात करके वो स्कीमें बनाई जाए, वो फंड्स रिलीज करवाए जाए, आप लोगों के काम हो। इतना ही कहते हुए एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरीके से थानोट, यहाँ भैना वगैरह इस पूरे इलाके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, मैं ये विश्वास दिलाने आपको आया हूँ कि आपका विश्वास पे हम खरा उतरेंगे और आपके सहयोग से आपके काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। ये थे एमएलए डोडा जनाब शक्तिराज परिहार जी।